दूर अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप रोशनी की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये एलियन अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां से टाइटेनियम लूटकर ले जाते थे और पृथ्वी पर भी ये यही करने जा रहे थे। पृथ्वी के पास पहुंचने पर उन्होंने स्पेसशिप की गति धीमी कर दी, पर अचानक उनका यान एक सैटेलाइट से टकरा गया और बहुत तेजी से नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू गांव के लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वो स्पेसशिप नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अरे छोटू दादा, लगता है गांव में कोई जहाज उतर रहा है। अबे बुड़बक, ये जहाज उतर नहीं रहा है, ये तो गिर रहा है। चला हमारे साथ, तनिक देखें ये जहाज किसका है। और वो सब उस यान की तरफ बढ़ने लगे। वो स्पेसशिप वहीं पास के जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन उसमें बैठे एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बाहर निकलकर यान को ठीक करने लगे। तभी छोटू और लंबू के साथ गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस को देखकर हैरान हो गए। अरे ये सब तो कौनो दूसरे ग्रह का प्राणी लोग है। चलिए ना छोटू दादा, तनिक हाय हेलो तो किया जाए। अबे विनाश वाली विपरीत चड्डी, हमका वहाँ जाए के मरना नहीं है, तुमका जाना है तो जाओ। पैसे फो या फरारी, हम हाँ चचा मुरारी, तुम सब यहीं रुको, हम जाता हूँ। अरे चचा सुनिए तो। लेकिन मुरारी चचा एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। चचा को अपनी तरफ आते देख एलियंस सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक चचा पर तान दी। बंदूक देखते ही चचा पलट के भागे, पर एक एलियन ने चचा पर फायर कर दिया। धोती में लग गई आग हो, सब लोग यहाँ से भाग लो। और वो सब वहाँ से भाग निकले। भागते हुए वो सब सीधे दरोगा मंगनीराम के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। मंगनीराम सिपाहियों को लेकर उस यान के पास पहुँचा। आय जान के सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जीप जला दी। अरे भागो, ये तो हमको आग का हवाले कर देंगे। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और गुल्ली बुल्ली को भी इस बारे में पता चला। हमें वैज्ञानिक सुरेश से मदद लेनी चाहिए, शायद उसका कोई आविष्कार हमारे काम आ जाए। उधर सुरेश फौजी तोप सिंह को अपना आविष्कार दिखा रहा था। ये देखिए तोप सिंह जी, हमारा नया रोबोट। फौजी है तो बड़ा चंगा है जी, इसको तो फौज में भर्ती कराना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने साइंटिस्ट सुरेश को सारी बात बताई। एलियंस को भगाने के लिए हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। और ये टेंशन ना लो आप रोबोट्स के साथ वहाँ पहुँचो, वो साडा कैंप पास में ही है, मैं वहाँ से अपनी बटालियन लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। गुल्ली तोप सिंह के साथ चला गया और बुल्ली सुरेश के साथ रोबोट्स को लेकर एलियंस के पास पहुंचा। रोबोट्स को देखते ही एलियंस उन पर बंदूक से फायर करने लगे, लेकिन सुरेश के रोबोट्स ने भी उन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और कुछ एलियंस को मार गिराया। तभी एलियंस भी अपने रोबोट्स लेकर आ गए। सुरेश के रोबोट्स को काफी गोलियां लग रही थीं और वो खराब हो रहे थे। तभी वहां आर्मी भी पहुंच गई और एलियंस को मारने में सुरेश की मदद करने लगी। पर एलियंस के हथियारों की पावर बहुत ज्यादा थी। तभी तोप सिंह गुल्ली के साथ टैंक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने हमला कर एलियंस के सारे रोबोट्स को नष्ट कर दिया। ये देख सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप के अंदर भाग गए। सुरेश और तोप सिंह ने एलियंस की शिप पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते शिप पूरी तरह नष्ट हो गया।
जीत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किशनगढ़ नाम के गांव में छोटू दादा नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपने नाम के मुताबिक लंबाई में छोटा था। गांव में अपना रुतबा जमाने के लिए वो एक दिन दिवाली के पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचा। अरे चचा, कौनो बड़ा बेहुदा सबम दिखाइए ना, वो का है ना कि गांव में थोड़ा भोकाल जमाने का है। ओ वाहे गुरु माफ करे, मुझे बनाने को तो हम एटम बम भी बना देते हैं। आप यह देखो, इतना बड़ा बम ठीक रहेगा। का मजाक करते हैं चाचा, इतना बड़ा डायनासोर जैसन फैक्ट्रिया में ये मूस जैसा छोटा सा बम मिलत है। अरे हमका हाउ चाहिए एक छो बड़का सा बम। ओ जी बड़ा भी बन जाएगा, तो उसे इधर साइज लिख दो। ले लीजिए चाचा, साइज हम लिख दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जी शुक्रिया की कोई बात नहीं हैगी। ओ जी बस 10,000 की पेमेंट कर दो। अरे पैसा तो सब हाथ का मेलना है चाचा, वो का है ना कैश तो सब नोटबंदी में न चला गया। ऐसा करो, ये लो हमारा फोन रख लो, 20,000 का है। इतना कहकर छोटू दादा वहाँ से चला गया। अगले दिन वो अपने दोस्त लंबू के घर पहुँचा। का लंबू बिरादर, तुम तो कहता था कि पॉकेट में रॉकेट है, आज किधर है तेरा बड़का रॉकेट? अरे तो हम कौनो मना थोड़ी ना किए हैं, ई देखो ई है हमारा रॉकेट। तुम बोलो तुम्हारा छटंकू बम किधर है? ही 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 ही। दाल भात तरकारी, हमारा नाम है छोटू बिहारी। अरे लंबू, अभी तुमका ही रॉकेट में बांध के उड़ाए ना, तो पहले तो जाओगे चांद पर, और के बाद छपरा में किसी झोपड़े के छप्पर पर गिरोगे सीधा। बड़ बक्का इनका, आओ हम दिखाते हैं तुमका बम का होता है, चलो चलो हमारे साथ। ये देखो ये होता है बम। आए ये तो गजबे कर दिए छोटू दादा, चलिए ना इनका फोड़ के देखते हैं। आप किए ना कुछ कह देगा बात, चलो फॉलो मी। और फिर दोनों उस बम को लेकर गांव में एक खाली जगह पे पहुंचे, जहां छोटू ने बम को दगा दिया। का हो आया ना मजा? हाँ हो आया तो, पर थोड़ा और बड़का बम होता ना तो और भी मजा आता। हाँ और बड़का बम, चलो तुम चलो हमारा साथ। और फिर दोनों लोग पटाखा फैक्ट्री पहुंचे। अरे चचा ऐसा है कि हमको तनिक और बड़का बम बनाए के दे, इस साइज फाइज हम सब कॉपी में लिख दिया है। ओ जी बन तो जाएगा, लेकिन पेमेंट? चचा ऐसा है कि पैसा चाहे जितना लग जाए, नाच तो हवेली पे ना होगा। बोलिए कितना पैसा लगेगा? ओ ज्यादा नहीं जी, बस 50,000। 50,000? अच्छा ऐसा करिए, ये चाबी रखिए, हमारा बाइक का है, कैश का तो आपको बताइए ना किए थे। हाँ जी ओ नोटबंदी। हाँ ठीक ठीक, बस बस बुझा गया। बड़ा बम मिलने के बाद दोनों उसे लेकर गांव के बाहर उसी जगह पर पहुंचे। का लंबू दगा दिया जाए का? अरे हाँ छोटू दादा दगाइए ना। छोटू ने बम को दगा दिया। आय लंबू ये बम मजा तो बहुत दिया, लेकिन तनिक और बड़का बम होता ना तो कसम से ललन टाप मजा आ जाता। लेकिन छोटू दादा आप पैसा किधर से लाएगा, अब तो सब झाड़े चुके हैं आप। अरे फिर वही बात कहे ना, दाल भात तरकारी हम हैं छोटू बिहारी, अभी एक तो चीज बाकी ना है, चलो हमारा साथ। और दोनों फिर से पटाखा फैक्ट्री पहुंचे। इतना बड़ा? और जी इसमें तो 50,00,000 लग जाएंगे। चाचा पैसा कौड़ी का चिंता नहीं ना करिए, भोकाले खत्म हो गया तो पैसा का क्या करेंगे। ये लीजिए, ये है हमारा प्रॉपर्टी का पेपर, अब तो बन जाएगा ना? ओ जी जरूर बन जाएगा। ओ कोई है मुंडिया नु जरा चाय छाता पिलाओ। और इस बार बम बहुत बड़ा और विशाल था। का लंबू तैयार तो हो ना? हाँ छोटू दादा, बस एकदम दगा ही दीजिए।
हाँ तो देखो पैसा सारा लगा दिए, लो हम बम को दगा दिए। अरे हम तो भूले गए, चाचा बोले थे इसको 1 किलोमीटर दूर से दगाना है। एक रिमोट भी दिए थे जी। अब का किया जाए छोटू दादा? अबे करना का है, भागो पजामा उठाई के। लेकिन वहां से भागना काफी नहीं था।